पर लखनऊ से है। लखनऊ में सीएम योगी ने कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया, माल्यार्पण किया और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पहले कैंसर संस्थान का नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा गया। वहीं उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी ने सुशासन की सरकार दी थी। तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार जो हम सबकी स्मृतियों में है और जिस सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया है, वह सदैव बाबूजी कल्याण सिंह जी की ही सरकार थी जो 1991 में बनी थी। जिस सरकार ने प्रदेश में सुशासन के कुछ मानक तय किए, उस मानक के अनुरूप अपने कार्य पद्धतियों के माध्यम से पहली बार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के साथ ही अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए इस कार्य की शुरुआत की। ये मेरा सौभाग्य है और हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमने बाबूजी के दिवंगत होने पर इस संस्थान का नामकरण सर्वे बाबूजी के ही नाम पर, हम सब जानते हैं प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है जो इस समय 734 बेड्स का है और इसे बढ़ाकर के हम 1200 बेड्स का बनाने की क्षमता रखते हैं। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बाबूजी के नाम के अनुरूप यह प्रदेश के कल्याण का कारक बने, इसलिए सर्वे बाबूजी कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल के रूप में इस संस्थान के इंस्टीट्यूट के रूप में इस संस्थान को विकसित किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि उनके किए काम को सरकार आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। बाबूजी को सबसे पहले तो पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, जो उनके अधूरे सपने, उनको साकार करेंगे। कल्याण सिंह महान नेता थे और आज उनका आज आदरणीय योगी जी को बधाई देता हूं। 9 फीट ऊंची काशी प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। और वही मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने भी पुण्यतिथि पर कल्याण सिंह को नमन करते हुए कहा कि कल्याण सिंह ने पूरे प्रदेश की सेवा की। प्रतिमा अनावरण पर उन्होंने कहा कि इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे साथ में इस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह जी है। मंत्री जी, आज इस संस्थान में कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ पहली पुण्यतिथि पर, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आदरणीय कल्याण सिंह जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जिस प्रकार के नेता थे, पूरे प्रदेश को उन्होंने अपने पुत्रवत जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा की, उसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तमाम सियासी पहलू से भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, लोग क्या कहेंगे? देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आता है इसको सियासत से क्यों जोड़ रहे हैं। कल्याण सिंह जी का जो कद है, वो उस कद का, जिस कद को वो पार कर चुके हैं, उसमें सियासत की हमें नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। आखिरी सवाल, ये जो संस्थान है, इसे अखिलेश यादव हमेशा अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाते रहे हैं हर मंच से, और आज वहाँ पर कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। देखिए, उपलब्धियाँ तो भगवान जाने क्या क्या वो गिनाएंगे, लेकिन उनको मूर्त रूप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे रही है। केवल एक जमीन आवंटन कर देने का मतलब ये नहीं है कि कुछ हो गया। पूरा ये जितना इतना विशाल वो खड़ा हो गया आज भवन, ये भवन तो हम ही लोगों ने खड़ा किया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मयंकेश्वर शरण सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, और जहां तक बात करें इस संस्थान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाती हैं, लेकिन सिर्फ ज़मीन देने का मतलब संस्थान नहीं होता। इस संस्थान को पूरा करके जो मूर्त रूप है, ये वर्तमान सरकार नहीं दिया है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहे हमारे साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।